केबुल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर प्रतिमाओं के लघु रूप का कराया गया नगर भ्रमण। सर्वदलीय एकता मंच ने आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर किया जोरदार प्रदर्शन। केबुल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर शनिवार को प्रतिमाओं के लघु रूप का नगर भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पटना हनुमान मंदिर के संस्थापक किशोर कुणाल ने इस अवसर पर कहा कि मंदिर निर्माण से ज्यादा बड़ा काम मंदिरों का जीर्णोद्धार करना है। पिछले 10 वर्षों से हम कहीं नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ की बात सुनकर हम यहाँ आए हैं। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि लोग श्रद्धा भक्ति के साथ आए, यहाँ पूजन करें। वहीं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति के संरक्षक विधायक सरयू राय ने कहा कि इस मंदिर का व्यवसायिक और राजनीतिक उपयोग हम नहीं करने देंगे। यहाँ केवल अध्यात्म की बात होगी, आध्यात्मिक विकास की बात होगी। उन्होंने कहा कि शुद्ध उच्चारण द्वारा मंत्र का पाठ करने का भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पर रांची से जज आए हुए हैं, पटना से किशोर कुणाल जी आए हुए हैं और भी दूर दूर से कई हस्तियां मौजूद हैं। हमारा कहना है कि यहाँ पर लोग अपनी श्रद्धा से आए, पूजन करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें, घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि आस्था, विश्वास, श्रद्धा का प्रतीक है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लोग का सैलाब है, भक्ति की भावना है। जमशेदपुर के लिए इससे बढ़कर और क्या होगा। जो प्रतिमाओं के नेत्र बंधे हुए थे और जो नेत्र खुले, खुलने के बाद उनका श्रृंगार हो रहा है, वस्त्र पहनाया जा रहा है और जो प्रतिमाएं छोटी हैं, लघु रूप में हैं, वो नगर भ्रमण के लिए सज्जित होकर जाएंगी। अब यहाँ जो व्यवस्थापक थे, इन्होंने रूट तय किया है कहाँ पर घूमेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत लंबा रूट नहीं रखना, अच्छे रूट रख जाते हैं। और जिस तरह से वो जल यात्रा में जिस तरह का अपने से ही स्वतः स्फूर्त भीड़ उमड़ पड़ी थी, तो उससे हम लोगों को बड़ी संतोष हुआ। यहाँ के लोग, खास करके नारी शक्ति की बड़ी आस्था है इस मंदिर में। अब कल तो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद इस मंदिर का संचालन कैसे हो, इसके बारे में किशोर कुणाल जी हैं और लोगों से हम लोग बात करेंगे। मेरे दिमाग में इतना ही है कि मंदिर शुद्ध आध्यात्मिक मंदिर होगा, कोई व्यावसायिक, कोई राजनीतिक उपयोग इसका नहीं होगा। राजनीति से जुड़े हुए लोग भी श्रद्धालु के तौर पर ही आएंगे और ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होंगे जिसमें कोई आध्यात्मिकता का फूट नहीं है। तो एक आध्यात्मिक विकास का केंद्र हम लोग कहना चाहते हैं। एक वेद वेदांग अध्ययन अनुशीलन केंद्र की स्थापना हम लोग यहाँ करना चाहते हैं ताकि हमारे सनातन धर्म में जितने पंथ हैं, अवगढ़ हैं, तांत्रिक हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव हैं, एक सभी के ग्रंथ, इन सभी क्रियाओं का यहाँ पर किया जाएगा। ग्रंथ उपलब्ध रहेंगे, पुस्तकालय जैसा रहेगा, अध्ययन करने में जिनकी रुचि है अध्ययन कर सकते हैं, विश्वविद्यालय विद्यालय के लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना चाहते हैं जिसमें मंत्रों का उच्चारण शुद्ध हो और इस अवसर पर इस मंत्र का उपयोग होना चाहिए। इसकी भली भांति लोगों को जानकारी हो, नहीं तो जिसको जो मंत्र याद है हर अवसर पर उसी मंत्र का वो उपयोग कर देता है। हम लोग ये चाहेंगे कि दो काम यहाँ से हम लोग करें और ये जो परिसर है अच्छा लगे, सुंदर लगे, फूल पत्ती घास ये यहाँ हो, प्राकृतिक दृश्य हो, ये अभिलाषा है हम लोगों की। अभिलाषा कैसे पूरा होगी, ये तो मंदिर में जो देवी देवता बैठे हैं, भगवान अब अपनी कृपा किए हैं और माननीय सरयू राय जी को निमित्त बनाए हैं और माननीय सरयू राय जी और भक्तों के प्रयास से ये स्थल में भगवान पधार गए हैं। और अब तो क्या कहना है, लोग अपनी भक्ति श्रद्धा से उनके समक्ष आएंगे, अपनी श्रद्धा अर्पण करेंगे और जो चाहेंगे वो पाएंगे, अपने मन की शांति, अपने परिवार की खुशहाली और समाज की खुशहाली, यही लोग चाहते हैं। तो ये दिव्य परिसर में, दिव्य मंदिर और दिव्य भगवान की कृपा
बरस रही है, जिनको जो श्रद्धा से लेना है, आस्था से लेना है, ये जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा उपहार माननीय श्री सरजू राय जी जज साहब हैं, झारखंड हाई कोर्ट के आने जज श्री सर पाठक जी। और पटना जो वो हनुमान मंदिर है स्टेशन के पास हमारे जलाल जी हैं, किशोर कुमार जी, जिन्होंने बहुत दिव्य बनाया उस मंदिर को, भव्य बनाया, और वहाँ साक्षात कृपा बरस रही है। उसके साथ इन्होंने अलग अलग परिकल्प में कार्य किया, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, काफ़ी फायदा हो रहा है। अयोध्या में भी उनके द्वारा अन्य क्षेत्र चल रहा है, वहाँ जो आए हैं यहाँ यहाँ की दिव्यता और यहाँ की धरोहर को देख करके यहाँ आए हैं। और उन्होंने कहा अभी कि जीर्णोद्धार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, मंदिर आप बना सकते हैं, लेकिन जीर्णोद्धार जो करता है वो अनंत गुणा फल देता है। ये अनंत गुणा फल यहाँ के वासियों को, यहाँ के भक्तों को, यहाँ के माता बहनों को, सबको प्राप्त हो रहा है, आप सबों को प्राप्त हो रहा है, बहुत बहुत बधाई। सर्वदलीय एकता मंच ने आज उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन टाटा स्टील और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ किया गया। वैसे यह प्रदर्शन टाटा स्टील का तानाशाही रवैया, फुटपाथी दुकानदारों को हटाने और स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता द्वारा 100 साल पुरानी सड़क को एंक्रोच कर बंद करने को लेकर किया गया। आपको याद दिला दें कि कदमा में 100 साल पुरानी सड़क को टाटा स्टील ने बंद कर दी है और उसके बगल में मंत्री वंदना गुप्ता को जमीन आवंटित कर दी है, जिस पर मंत्री जी का आवास बन चुका है। फिलहाल 40x15 फीट सड़क किनारे की जमीन थी, उस पर भी पक्कीकरण कर दिया गया है। एक तरफ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार के लोगों को टाटा स्टील द्वारा जमीन दी जा रही है। इन मुद्दों को लेकर एकता मंच ने आज प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन पर बैठेंगे। शहर में यहाँ रसूखदारों के लिए अलग कानून है, अलग नीति है, अलग संविधान, अलग विधान है, गरीब लोगों के लिए अलग है। एक तरफ जहाँ रोड रस्ते में जो ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला जो अपने घर का रोजी रोटी पालते हैं, उनको देखिएगा टाटा प्रबंधक के द्वारा, इनके गुंडों के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा गुमटी को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, रोड रास्ता चौड़ीकरण के नाम पे। वहीं दूसरी तरफ एक माननीय पिछले दिनों उनके द्वारा टाटा प्रबंधक के मिली भगत से कदमा के 100 साल पुराना 3-3 रोड को बंद कर देता है। मैं जनवरी महीने से इस चीज़ को मैं उठा रहा हूँ, लगातार मैं पत्रचार कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमें लगातार टाला जा रहा है। अभी 5 जुलाई को अब देखिएगा माननीय का घर के बगल में 40x15 फीट का एक शेड डालकर, वो पहले वो ढलाई नहीं था, कल ढलाई भी हो चुका है, अब 40x15 फीट का दुकान मकान या वो हमारा ऑफिस क्या बनने जा रहा है, ना तो जिला प्रशासन सुध लिया है, ना तो टाटा कंपनी के कोई पदाधिकारी। मैं पूछने आया हूँ कि न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था कहाँ है? आदरणीय उपायुक्त महोदय, आप तुरंत संज्ञान लें, यहाँ हमारे जो टाटा प्रबंधक के जो लोग हैं, जो गुंडागारी भेज के गरीबों का दुकान मकान को तोड़ता है, उन लोग कहाँ है? इन लोग तुरंत संज्ञान लें, ये वास्तुस्थिति क्या है, हम लोग अवगत कराए, और जो रोड रास्ता जो बंद हुआ है उसको अविलंब खोला जाए, अन्यथा हम लोग अभी मजबूरी में अनशन के लिए बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भाजपा के सांची मुख्य कार्यालय में बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ मनाई गई। सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक हम एक पखवाड़ा समाज सेवा देश सेवा का काम करते हैं। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि थी और 6 जुलाई को जयंती है। 15 दिन के पखवाड़े में हम लोग इस बार पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम लगाने की जो मुहिम चली है, उसी के तहत आज हम लोग अपने भाजपा कार्यालय के प्रांगण में रुद्राक्ष, रक्त चंदन, कपूर जैसे दुर्लभ पेड़ लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 10 वर्ष पूर्व जिलाध्यक्ष और मैं वर्तमान जिलाध्यक्ष सभी लोग आज आए हैं और मिलकर पेड़ लगा रहे हैं। भाजपा के प्रदेश पूर्व सचिव रीता मिश्रा ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, वह एक अभियान बन गया है। सभी मंडलों में पौधारोपण किया जा रहा है। मातृशक्ति को सम्मान देने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान जन जन तक पहुंच गया है। स्कूल और कॉलेज में भी बच्चे एक पेड़ माँ के नाम लगाने के अभियान से जुड़ गए हैं। प्रदेश के निर्देशानुसार पिछले 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक
यानी 23 जून ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज जन्मदिन है। ये पूरे 15 दिन का एक पखवाड़ा भर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक सरोकार के तहत जन संरचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन करती है। इसमें हम पर्यावरण संरक्षण के विशेष दृष्टिकोण से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और मोदी जी के आग्रह पर हर कार्यकर्ता एक पेड़ अपने मां के नाम पर अपने अपने जहां उनकी सुविधा हुई वैसे पेड़ लगाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के इस परिसर में आज जिला भाजपा के द्वारा अब तक कुल जो 11 अध्यक्ष हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के, सभी लोगों के द्वारा एक एक पेड़ अपने माँ के नाम यहाँ लगाया गया। और ये जो भी पेड़ है दुर्लभ प्रजाति के हैं, आप यहाँ देख सकते हैं रुद्राक्ष का पेड़ है, कपूर का पेड़ है, लाल चंदन का पेड़ है, इस प्रकार जो साधारणतः पर तौर पर बाजार में नहीं मिलते हैं ऐसे दुर्लभ पेड़ों को इकट्ठा करके यहाँ लगाया गया है और आगे भी लगाया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित हो सके, लोगों को जागरूक किया जा सके और पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण व्यवहारिक तौर पर लागू कर सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।